किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आया था अपने खेत की जुताई करने के लिए और एक खास यंत्र हम लेकर आए हैं, हैरो। दोस्तों, हैरो से हम कोई भी फसल लगी हो उसके बाद में एक जुताई, हम साल भर में दो बार हैरो से जुताई अपने खेत की ज़रूर करते हैं। दोस्तों, इससे ये होता है कि हमारी खेत की मिट्टी एक बार नीचे से ऊपर को पलट जाती है और गबड़ भी जाती है। दोस्तों, तो हैरो खेत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हैरो से जुताई करना बहुत कठिन काम है। दोस्तों, क्योंकि हैरो से जुताई करने में कई दिक्कतें आती है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि जो हैरो से हम जुताई करने लगते हैं जब, तो हमारा ट्रैक्टर सीधे नहीं जाता, वो कभी इधर को तिरछा हो जाएगा, भाग जाएगा, या इधर को भाग जाएगा, वो लोग सीधा नहीं ले जा पाते, कहते हैं कि ये सीधा ले जाने में बहुत कठिन काम है। और कई लोगों का मानना है दोस्तों कि हैरो से जुताई करने में खेत हमारा खाला ऊंची हो जाता है, मतलब कहीं ऊंचा हो जाएगा, कहीं नीचा हो जाएगा, बराबर नहीं रहता। दोस्तों, तो इन्हीं सब, ये सब किन कारणों की वजह से होता है, यही सब बताने के लिए मैं आज इस वीडियो में आया हूँ। दोस्तों, तो अगर हमारा खेत, मान लीजिए हमारा ट्रैक्टर सही से सीधा नहीं जा पा रहा है, भाग जा रहा है इधर उधर, तो इसके पीछे आपका एक कारण हो सकता है कि आपकी जो ट्रैक्टर की सेटिंग्स है ना, हैरो नाधने वाली, वो सही नहीं है। लेकिन अगर आपका खेत खाली ऊंचा हो जा रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, हैरो से जुताई करने पर खाली ऊंचा हो रहा है, तो इसके पीछे कारण है कि आप सही से जुताई नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, तो आज हम दोनों चीज़ बताएंगे कि किस तरीके से हैरो को चलाया जाए और इसमें क्या क्या सेटिंग्स कैसे कैसे की जाएँ, सारा कुछ आप लोगों को बताएँगे। और गहरी से गहरी जुताई होगी दोस्तों हैरो से। तो आइए हम आपको पीछे दिखा देते हैं कि हमें हैरो नाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तो आइए हम पीछे आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि हैरो से कितनी गहरी जुताई हो रही है। आप देख सकते हैं पूरा बहुत गहरी जुताई हो रही है। हमारा इसमें पैडी लगा हुआ था धान, जिससे कुछ लोग चावल कहते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता धान, तो वो चावल के नाम से जान ले। दोस्तों, इतना मार चावल लगा था, पूरी मिट्टी टाइट हो गई थी। अब इसको हम हैरो से सही कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया ढंग से हो रहा है। तो आप अब देख सकते हैं दोस्तों, आइए इधर, हमें इसे नाचते समय दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हम जब खेत में अपना कोई भी हल चला रहे हों, चाहे वो हमारा कल्टीवेटर हो, रोटावेटर हो, या हैरो हो, कोई भी यंत्र हो, हमारी जो टापलिंग लगती है यहाँ से यहाँ तक, ये हमेशा जब हमारा खेत में यंत्र चलने लगे तो ये सीधी होनी चाहिए, चाहे कल्टीवेटर में हो, रोटावेटर या हैरो, किसी भी चीज़ में जब ये आगे को लोड पड़े तो एकदम सीधा होना चाहिए, इससे बहुत ज़रूरी चाहिए। दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ ट्रैक्टरों में यहाँ पर ऊपर नीचे करने वाला सिस्टम होता है और यहाँ पर भी दो तीन बिल इसीलिए बने होते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। और दोस्तों, टापलिंग हमें इतने पर सेट करनी है कि जब हम ट्रैक्टर अपना चलाने लगें तो ये ट्रैपलिंग एकदम फ्री होनी चाहिए, मतलब ये हिलनी चाहिए। ये ऑटोमेटिक अभी हम आपको चलाकर दिखाएंगे, ये हिला करती है दोस्तों, मतलब इस ये हरदम फ्री रहती है। इतने पर होना चाहिए कि ना ज़्यादा आगे लगे ना ज़्यादा पीछे लगे, बराबर लगना चाहिए। अब ये सेटिंग कर ली हमने, अब हमारा ट्रैक्टर इधर उधर क्यों भाग जाता है दोस्तों? इसके लिए हमारी जिम्मेदार ये ट्रैपलिंग भी हो सकती है। मान लीजिए आप ज़्यादा लगाए हैं तब हमारा ट्रैक्टर दाएं को भाग जाएगा, या अगर आप ट्रैपलिंग थोड़ा ज़्यादा ढील किए हुए हैं तो आपका ट्रैक्टर बाएं को भाग जाएगा, ये चीज़ हो सकती है। और एक चीज़ हो सकती है दोस्तों, आप ये जो जग होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाला जग, हमेशा इसे हम इतने पर सेट करें कि ना इधर ज़्यादा घुसे ना इधर ज़्यादा घुसे, क्योंकि बहुत से लोगों के ट्रैक्टर में ये जाम ही होते हैं, तो इनको ढीला रखें, इसमें ऑयल वगैरह हमेशा किए रहें, और ये इतने पर रहे कि दोनों तरफ बराबर लगे। बस ट्रैक्टर में इतनी ही सेटिंग हमें करनी है, कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं है। अगर इतना कुछ हम कर लेते हैं अपने ट्रैक्टर में तो हमारा ट्रैक्टर सीधा जाएगा, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएगा, अपने मन से ये नहीं भागेगा। नहीं तो ज़्यादातर लोग हमसे, कई लोग कहेगी ये ट्रैक्टर इधर उधर भाग जाता है हैरो चलाने में। तो देखिए दोस्तों, हम तो एकदम सीध में लेकर आए हैं, हमारा तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी हम आपको जुताई का तरीका बताएंगे दोस्तों, दो तरीके हैं जुताई करने के जिनसे हमारा खेत खाली ऊंचा नहीं होता, तो दोनों आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हम आपको तरीका बताने वाले हैं कि किस तरीके से जुताई करें कि खाली ऊंचा ना हो। तो इस खेत में हम बताएंगे कि पहला तरीका, और दूसरे वाले खेत में बताएंगे दूसरा तरीका।
तो ये तरीका देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हमें एक किनारे से रखना है, दाहिने किनारे खेत के दाहिने किनारे वाली मेड़ पे रख मेड़ के किनारे रखना है, जिससे हमारा तावा मेड़ के किनारे चले, और इस तरीके से लेकर जाना है सीधे, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं लेकर गया है मेरा छोटा वाला भाई ट्रैक्टर चला रहा है। हालांकि ये कभी 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 ट्रैक्टर चलाता है, ज़्यादा नहीं चलाता, ज़्यादा तो मैं ही चलाता हूँ, लेकिन अगर ये जुताई कर सकता है तो इस चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे वो लोग भी कायदे से समझ जाएंगे और जुताई कर पाएंगे, जिससे उनका खेत कभी खाला ऊंची नहीं होगा। ये हमारा पहला तरीका है। इस तरीके से हमें चारों किनारों पर घुमा लेना है, जैसा कि ये अभी घुमा के लाएगा। तो एक बार इधर से गया, उसके बाद बेड़ बेड़ सीधे चला गया खेत में, उसके बाद अब उस किनारे से आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं अब ये एक चक्कर पूरा लगा के वापस आ गए हैं। उसके बाद हमें उल्टा ट्रैक्टर दोबारा से शुरू कर देना जैसे चला रहे हैं, और हर बार किनारे पर जाने के बाद आपको बैक करके पीछे रखना है, हर बार जा करके बस पीछे रखेंगे आप लोग, और उसके बाद सीधे चले जाएंगे जैसा कि ये जा रहा है दोस्तों। इसी तरीके से हर बार कोनों पर आपके आपको जाना है और बैक करके रखना है, उसके बाद सीधे चले जाना है दोस्तों। तो दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, एक बार हमें दाएं से बाएं ओर को ट्रैक्टर खेत में पूरे खेत में चारों ओर घुमा लेना है, उसके बाद हमें एक चक्कर पूरा होने के बाद दोबारा बाएं से दाएं की ओर घूमते हुए पूरा खेत को चारों ओर से जोतना है, जिससे हमारे खेत में नाली नहीं बनेगी। और यही एक इसका फ़ायदा है कि इससे नाली नहीं बनेगी, अगर नाली नहीं बनेगी हमारे खेत में तो एक चीज़ मान लीजिए कि खाली ऊंचा होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि हरों से जोतने पर सभी लोगों ने देखा होगा आपने कि खाली ऊंचा बहुत हो जाता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि वो सीधा आ रहा है, एक पहिया एक तरफ की पहिया हमारी इस नाली में है और पीछे से हमारा तावा इस नाली को पाटता हुआ आ रहा है। तो हर बार यही तरीका होता जाता है और हमारे खेत में नाली नहीं बनती और हमारा खेत बिल्कुल बराबर रहता है। तो एक बार सीधा ले जाना है आपको, उसके बाद उल्टा लाना है और उल्टा ही फिर जोतते रहना है दोस्तों। हर बार किनारे पर बैठ करके रखना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे खेत की पूरी जुताई हो चुकी है, अब ये खेत हमारा पूरा जुत गया है और इसमें आप कहीं पर एक भी नाली नहीं पाएंगे दोस्तों, केवल एक नाली जो आखिरी चक्कर हम आते हैं उसमें बनती है बस। तो अब हम आपको लेकर चलेंगे अपने दूसरे खेत में और वहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे जुताई दूसरे तरीके से की जाए। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा वाला प्लाट। तो दोस्तों दूसरा वाला जो हमारा तरीका है जुताई करने का, दूसरा वाला तरीका हमारा ये है कि हमें मेड़ से लगभग आप लोग देख सकते हैं लगभग 3 या 4 हैरो जितने में चले जाएं उतनी जगह छोड़ करके मेड़ के किनारे से हमें अपना एक हराई लेकर चले जाना है सीधे, उसके बाद लगभग उतना ही स्पेस बीच में छोड़ करके और दूसरी लाइन लेकर सीधे सीधे चले आना है। और उसके बाद हमें ये करना है कि हमें बार बार हमारी जो बाईं वाली पहिया है, अगली और पिछली दोनों, वो हमारी इधर इस साइड वाली नाली में जानी चाहिए, और इसी प्रकार से हमें बार बार घुमाते रहना है। अब देखना जैसे जा रहे हैं इसी प्रकार से हर बार जब हम अब की बार जब वापस आएंगे तब हम उधर वाली में बाईं तरफ से नाली में पिलाकर पहिया लाएंगे, इससे ये होगा कि हमारे खेत में नाली नहीं बनेगी दोस्तों। और मेन फैक्टर दोस्तों यही, अगर हमारे खेत में नाली नहीं बन रही है हैरो की जुताई में तो हमारा खेत खाला ऊंची नहीं होगा, बराबर रहेगा पूरा। तो दोस्तों यही सब आप लोग कुछ तरीके हैं जो हम लोग अपनाएंगे तो हैरो से जुताई करना आसान है और हमारी जो हराई है वो सीधी जाएगी और खाली ऊंचा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई कमी है दोस्तों तो आप लोग कमेंट में बताएं मुझे कि ये कमी रह गई है, और आप लोगों को ऐसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जिन लोगों को ये तरीका पता था वो लोग कमेंट में बताएंगे कि उन्हें पता था, और जिन लोगों को नहीं पता था
तो दोस्तों वो लोग कमेंट में बताएंगे कि हमें कमेंट ये सब तरीका नहीं पता थे, अब से पता हो गए दोस्तों।